तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को परफॉर्म करके दिखाएंगे, अपना प्रदर्शनी दिखाए हैं। क्या बनाए हैं मम्मी? लड्डू बनाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में आरती कुछ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 8:30 होने को है और 10 मिनट पहले ही मैं घर पहुंची, कंप्यूटर क्लास गई थी और आने के साथ साथ यहाँ पे मैं आटा मम्मी ने गूंद दिया था, तो मैं अभी इसका लोई बना के अभी रोटी बना रही हूँ। पापा को ड्यूटी भी बहुत जल्दी जाना था, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बनाई और पापा खा के भी चले गए, 10 मिनट में ही बना गए। तो अभी मैं मेरे लिए और मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ। और पहले तो मेरा रोटी थोड़ा मैट टाइप का बनता था, लेकिन अभी तो थोड़ा गोल गोल बनता है, आपको दिखाऊंगी। तो मम्मी का हाथ दर्द कर गया तो मैं अभी अपना फोन ले लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा सा इधर चपटा हो गया, कोई बात नहीं, बट पहले से तो थोड़ा सुधार आया है मेरे रोटी बनाने में, इसके साइज में देख ही सकते हैं। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या क्या करेंगे आपको वीडियो में देखने जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहले इसको देखते हैं रोटी फूलता है कि नहीं। यहाँ पे मम्मी अपने लिए चाय जो निकाल रहे हैं, अभी मम्मी के लिए रोटी तो बना दिया है मैंने, तो खा लेंगे। उसके बाद मैं अपने लिए इधर बना रही हूँ। भैया को रोटी पसंद नहीं है, रोटी के साथ कोई सब्जी होगा तभी खाएंगे, नहीं तो ऐसे चाय के साथ खाना उनको पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैं सुबह सुबह घर पर रहती, कंप्यूटर क्लास नहीं जाती, तो मैं बना लेती, लेकिन अभी 8 बज गया, दोपहर का खाना बनाना और ब्रेकफास्ट में थोड़ा देर हो जाएगा, इसीलिए अभी चाय के साथ ही रोटी खा लेते हैं। और इधर मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ाया है चना, तो आज चना का सब्जी बनेगा हमारे घर में। तो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम बाड़ी की तरफ जा रहे हैं साग तोड़ने के लिए। अभी चना के साथ साग बनाएंगे आज हम। कुछ सब्जी भी नहीं है इस रविवार को, पापा बाजार भी नहीं गए थे। मम्मी भी आ रहे, मम्मी तोड़ेंगे, मैं सिर्फ दिखाऊंगी कौन सा साग है, मुझे तो पता नहीं है, पहचान में ही नहीं आता मुझे। यहाँ पे देखिए हमारा बगा, हमारा बारी कितना सारा मेका का पौधा से पूरा भरपूर हो गया है। यहाँ से देखिए मेका, हर साल हमारा मेका जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन नेमा और कोई दूसरा चीज़ हो ना हो, लेकिन मेका बहुत अच्छा होता है। देखिए उधर बरबट्टी है, इधर भिंडी है, तो ये सेम चीज तो आपको नहीं दिखाऊंगी, तो साग तोड़ते हैं डायरेक्ट। मम्मी को पता है कौन सा साग है, मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं तोड़ रही, सिर्फ देख रही हूँ। आज ज़्यादा साग नहीं मिल रहा है ना मम्मी, 3 दिन लगातार खाने के बाद अब क्या मिलेगा, इसको भी तो टाइम चाहिए ना, 2 दिन बाद ही निकलेगा ये साग भी, बारिश भी तो अभी नहीं हो रहा है। अभी इधर जंगली मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो गाइस, मैं अभी घर की तरफ जा रही हूँ, मम्मी तोड़ के लेके आ जाएंगे भाजी को, तो अभी मैं अंदर जाके चना बनाती हूँ, क्योंकि अभी भैया ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए खाना बनाना। तो ये देखिए गाइस, मम्मी भाजी तोड़ के आ चुके हैं और इसको धोया भी और इसको अभी काट भी रहे हैं। तो मेरे मामी बहुत मेहनत करके पिछले 20 मिनट से भाजी ढूंढे, उसके बाद फिर इसको धोए, अभी काट रहे हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर सिर्फ बनाने का सिर्फ मेरा है। तो इसके लिए फिर मैं लहसुन छिलूंगी, रसुन छिलूंगी, प्याज छिलूंगी और जैसा बनता है सिंपल सा ही बनाऊंगी।
तो आज हमारे खाने का मेनू है क्या क्या है माँ, क्या क्या है माँ? चना झोल। क्या क्या है? आलू झोल। आलू झोल और साग। साग। तो मम्मी ने मेनू बता दिया है, सिर्फ दो ही चीज बने अभी, कुछ ज्यादा मार्केट में तो बहुत महंगा पड़ रहा है सब कुछ, तो क्या बनाया जाए? आज दाल नहीं खाएंगे, डेली डेली खा के सब पक जाते हैं, इसीलिए बीच बीच में ये चना बना लेते हैं हम। तो गाइस अभी खाना पीना बना के आप सबसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे भैया अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं अभी जस्ट चना आलू का सब्जी बनाया तो अभी भैया खा रहे हैं, और मम्मी को और एक बार भूख लग गया तो फिर से चना निकाल के रोटी के साथ खा रहे हैं। देखिए तो अभी मम्मी और भैया को खाना देते हैं दोनों माँ बेटे को, और मैं अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं गाइस। A few moments later. तो गाइस अभी मैं जाने ही वाली थी नहाने के लिए, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गया है गाइस, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बारिश अब कब रुकेगा पता नहीं। अब आपको सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आपको दिखाती हूँ, छोटा छोटा बूंदे गिर रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, ये आंगन जो भीग गया है देख सकते हैं। तो कब बारिश छूटेगा और कब मैं नहाऊंगी, तो कोई नहीं, जब छूटेगा तभी नहा पाऊंगी और क्या करूंगी। Hey guys, मैंने नहा लिया है और यहाँ पे देखिए मेरे मम्मी ने मेरे रूम का क्या हाल किया है। देखिए ये है वाटर कलर जो कि एक ड्रो में था, मैं कल निकाल के लाई थी, बाहर निकाली थी पापा के रूम में, इसको मैं रखी थी, तो मम्मी ने ये मेरा वाटर कलर कर लिया। और यहाँ पे देखिए मेरे दीवार में, रूम के दीवार में अपना प्रदर्शनी दिखाए है। क्या बनाए हैं मम्मी? लड्डू बनाए हैं। लड्डू क्या बोला तूने? कौन से एंगल से ये लड्डू दिख रहा है आपको बताइए, आप ही बताइए कौन से एंगल से ये लड्डू दिख रहा है। मेरे पापा अभी आ गए हैं, खाना पीना करते हैं, फिर रेडी होके फिर बोरियापड़ा की तरफ जाएंगे, आगे वाला गांव का नाम बोरियापड़ा है, तो उधर ही जाएंगे, काम है थोड़ा सा, क्या काम है वो आपको मैं रेडी होने के बाद बताऊंगा। 2 hours later. Hey guys, अभी मैं रेडी होके हमारा बोरियापड़ा जा रही हूँ, तो साइकिल लेके जा रही हूँ, तो साइकिल किनारा में रख देते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है, इधर स्कूटी इधर साइकिल, दोनों साइकिल के बीच में ये मेरा छोटा वाला साइकिल फंस जाता है बेचारा, तो इसको निकालते हैं उठा उठा के। अरे बाबा, तो ये हो गया, निकल गया। ये मेरा क्लास 8 से ये मेरा सहारा बना था दोस्त स्कूल जाने आने के लिए। बीच बीच में साइकिल भी चलाना चाहिए क्योंकि पैर सब जो है एक्टिव रहेगा, हमेशा स्कूटी से तो आना जाना करते हुए पैर सब हिलता ही नहीं है, तो इससे थोड़ा एक्टिव रहेगा। और क्या बोलें, इतना पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए मैं साइकिल ही लेके जाती हूँ। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे डांस प्रैक्टिस, तो मदर्स डे के लिए अभी 2 दिन बाकी है, तो उसके लिए अभी जोरों शोरों से प्रैक्टिस चल रहा है। और हमारे गांव में तो इतना ज़्यादा यूथ सब भी नहीं है, तो 2-3 जन ऐसे हैं और बच्चे सब मिलकर भी डांस कर रहे हैं। तो डांस मतलब कौन सा सॉन्ग में डांस करेंगे वो सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर डांस कल से ही थोड़ा बहुत जो है स्टार्ट कर दिए थे, और 2 दिन है तो जैसे तैसे करके अभी डांस सीखेंगे, उसके बाद फिर मदर्स डे पर हमें परफॉर्म भी करना है, जल्दी घर भी आना है डांस प्रैक्टिस करके। तो ये दोनों भी हमारे साथ जाने लगे, और देखिए हमारे पहाड़ जो है बहुत नज़दीक दिखता है वो देखिए। Hey guys, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बोरियापड़ा, तो यहाँ पे हमारे सारे डांसर सब इकट्ठा हो चुके हैं, तो डांसर सब यहाँ पे आ चुके हैं, इधर आ जाओ, उधर आ चुके हैं बोलती हूँ तो उधर जा देखती हूँ, तो इधर देखिए हम लोग इतने ही हैं, और भी 2 हैं बट वो डांस करके उनका कुछ काम है तो वो भी चले गए, तो ये दोनों जो है मेरे सब्सक्राइबर है, छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे कुछ थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, तो से हाय। हाय अंजलि। तो बताओ क्या आप मेरा वीडियो देखते हो? हाँ। तो कैसा लगता है मेरा वीडियो? अच्छा। सच्ची में? हाँ।
पागल है। सच्ची में इतना कॉमेडी लगता है कि झूठ। सच में कल आपका मुंडी में फूल लगा दिया। पूरा देखती है, मतलब प्रिंसी पूरा देखती है। ये मेरी पूरा असली सब्सक्राइबर है, जो कि ए टू पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक का जितना भी मेरा ब्लॉग है सब कुछ देख ली। अरे मैं तो ये कभी देखा इसका वो गेसी का वो नाचती। हाँ, और कल का ना देखी, नहीं देखा है कल का, नहीं देखा। तो ये मेरा छोटे छोटे सब्सक्राइबर है जो कि मेरे वीडियो हर दिन का देखते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी लगा। और क्या बताऊं, खुशी तो खुशी। और मदर्स डे का भी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है तुम लोग को? अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को परफॉर्म करके दिखाएंगे कि वही दिन दिखाएंगे पूरा वही दिन दिखाएंगे। तो गाइस, मेरे चुनु मुन्नु सब्सक्राइबर लोग तो बोल दिए कि जो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे वो परफॉर्मेंस हम वही दिन दिखाएंगे मदर्स डे को। तो उसके लिए तो थोड़ा दिन इंतजार करने पड़ेगा ना। तो बस दो दिन बोल रही है प्रिंसी। तो ये है मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हमारे गांव के, अभी डांस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रिंसी को अभी ट्यूशन भी जाना है, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, मैं घर पहुंच के झाड़ू वाड़ू लगा लिया। बाहर का आंगन इतना गंदा था कि क्या ही बताएं। और आने के बाद फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया और अभी खाना पीना बनाऊंगी। तो गाइस, आप लोग रेडी है ना हमारा परफॉर्मेंस देखने के लिए? तो बच्चों ने तो बोल दिया कि हम अपना परफॉर्मेंस सेम डे मदर डे में ही दिखाएंगे। तो आप सभी रेडी रहिए हमारा डांस देखने के लिए। तो ज़्यादा दिन तो नहीं मिला, एक कल से स्टार्ट किए हैं हमने, मतलब कल से ही स्टार्ट हुआ डांस प्रैक्टिस हमारा। तो ज़्यादा दिन तो नहीं मिल पाया, दो तीन दिन ऐसे ही हुआ। तो कितना अच्छा डांस करते हैं तो वो तो वही दिन उसी दिन पता चलेगा कितना अच्छा डांस होता है हमारे से। प्लस आप सबको भी दिखाऊंगी हमारा परफॉर्मेंस, वीडियो तो आपके पास आ ही जाएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।